शुरुआत करते हैं केरल के कालीकट एयरपोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एलजेडी और आरजेडी के नेताओं ने किया स्वागत। बड़ी खबर, कल कोझिकोड में कार्यक्रम का आयोजन होना है, एलजेडी पार्टी का आरजेडी में विलय करेंगे, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि केरल के कालीकट एयरपोर्ट पहुंचे हैं तेजस्वी यादव, एलजेडी और आरजेडी के नेताओं ने किया स्वागत। कल कोझिकोड में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, एलजेडी पार्टी का आरजेडी में विलय कल होने वाला है, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्कर्ष हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। उत्कर्ष, पूरी जानकारी क्या है, एलजेडी का आरजेडी में विलय की खबर है? अब बिल्कुल संजय, देखिए अब राष्ट्रीय जनता दल जो है वो क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं इसी क्रम में जो है वो अब राष्ट्रीय जनता दल लग गई है। और इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज केरल के लिए रवाना हुए हैं, जहां केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जहां पर पहुंचते ही एलजेडी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया है। और कल दो दिवसीय दौरे पर है तेजस्वी यादव, जहां पर कल एलजेडी के जो विधायक हैं, दो विधायक हैं पार्टी के, वो आरजेडी में विलय करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव जो है वो 24 चुनाव से पहले अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि केरल में ये मीटिंग होने वाली है और तेजस्वी जा रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा मैसेज है कि पार्टी का पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव के कंधों पर ही आ चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव मौजूद वहां पर नहीं रहेंगे। दूसरा ये है कि इससे वाकई में सियासी तौर पर कितना फायदा होगा? बिल्कुल संजय, देखिए लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर लालू प्रसाद यादव है, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव है, तो तमाम चीजों का जो डिसीजन है वो तेजस्वी यादव लेंगे। और ऐसे में केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, पार्टी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, ये तमाम नेता जो है वो तेजस्वी यादव के साथ गए हैं। और कहीं ना कहीं इस विलय से जो पार्टी है उसको मजबूती मिल सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां क्षेत्रीय पार्टी को लेकर लगातार सवाल बीजेपी के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल अब अपने पार्टी का विस्तार कर रही है लगातार। केरल से पहले भी अगर बात की जाए तो तमिलनाडु का दौरा जो है वो तेजस्वी यादव ने किया था, तेलंगाना का भी दौरा किया था। तो कहीं ना कहीं अब साउथ में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इससे पहले अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में भी राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो तेजस्वी यादव के द्वारा की गई थी। तो कुल मिला के अगर इस विलय को देखा जाए तो ये जरूर माना जा सकता है कि तेजस्वी यादव जो है वो आने वाले समय में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी को ले जाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि फिलहाल आपको बता दें कि एलजेडी का आरजेडी में विलय होगा और तेजस्वी यादव दक्षिण भारत में भी पार्टी के विस्तार को लेकर अब सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं। कई नेता साथ में मौजूद रहेंगे, पर ऐसे में दक्षिण की राजनीति को भी साधने की कोशिश की जाएगी आरजेडी की तरफ से।